देखिए दुकान का मालिक है, यही भैया है जिनका दुकान है, और बहुत मेहनत से मतलब ये आशा से बनवाए हैं दुकान, बहुत खूबसूरत दुकान इनको मतलब बनाने का शौक़ था, बनवाए हैं। देखिए चलिए काम दिखाते हैं, भैया का काम कैसे कैसे बना है दिखाते हैं। चलिए ये रहा हम लोग का केस काउंटर, ये भैया का एड्रेस है मीरपुर में, भैया का कपड़ा दुकान नया खुला है, अभी सामान अभी घुसाया नहीं है, अभी सामान घुसाना चल रहा है काम, अभी सामान घुसाएंगे भैया, कल तक को हमको उम्मीद है जो सामान पूरा घुसवा देंगे। अभी थोड़ा बहुत सामान डाले हैं दुकान में, दिखाते हैं आप लोग को कैसे कैसे मतलब बनाए हम लोग, और दुकान कैसे कैसे बना के कम्प्लीट किए हैं दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए ये हम लोग का केस काउंटर है, देखिए यह हम लोग का केस काउंटर ये हो गया, और ये हो गया पीछे का बैकग्राउंड, देखिए पीछे का बैकग्राउंड है ये केस काउंटर का पीछे बैकग्राउंड। और चलिए अंदर दिखाते हैं आप लोग को, ये देखिए केस रखने के लिए ड्रॉवर, यहाँ पे तीन ड्रॉवर बना हुआ है, और देखिए यहाँ पे कीबोर्ड करने के लिए कीबोर्ड बना हुआ है, लैपटॉप चलाने के लिए कीबोर्ड बना हुआ है, और यहाँ पे तीन ड्रॉवर है, यहाँ भी केस रख सकते हैं या कुछ मतलब डायरी बुक वगैरह सब रख सकते हैं। देखिए और देखिए यहाँ पे मतलब शर्ट और पेन सब मिलेगा, और यह हो गया केस काउंटर, उसको दिखाने के चलते यहाँ पे शर्ट और पेंट सब मिलेगा यहाँ पे। देखिए अभी सामान घुसाना बाकी है, कल तक उम्मीद है घुस जाएगा पूरा सामान, आज ही मतलब दुकान साफ सफाई हुआ है, थोड़ा बहुत सामान घुसा है भैया, कल तक उम्मीद है पूरा भर जाएगा दुकान, टाइम नहीं इसके चलते हम लोग को भी वीडियो बनाना पड़ा, नहीं तो हम लोग सोच रहे थे पूरा सामान डालने के बाद वीडियो बनाएंगे, तो टाइम नहीं हम लोग निकल जाएंगे, तो इसके चलते आज ही वीडियो बना देना रात में। देखिए यहाँ पे मतलब लड़कों का सब मतलब जीन्स का पेन और टी शर्ट शर्ट सब मिल जाएगा, और देखिए ये दिखाने के चलते ये काउंटर बना हुआ है दो वो, और देखिए यहाँ पे कोट पेन और शेरवानी वगैरह टांग